हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और यार, जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज हम लोगों का मरी निकलने का प्लान है। तो यार, कल इतनी चीखे मार मार के गला भी ख़राब हो गया। हाँ जी, तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा मरी निकलने का प्लान है और आज हम लोग जो है जल्दी उठ चुके हैं। वैसे तो हम लोगों ने 8 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन हमने फिर भी कोशिश कर करके 11 बजे तक उठ गए हैं। अभी हम लोग रेडी शेडी हो गए, हम लोग जो है बस गाड़ी भी जो है हमारी बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो गई है, गाड़ी की बिल्कुल बैटरी डेड हो गई है, तो इसलिए स्लब उठाने के लिए धक्का मारना पड़ेगा। लगा धक्का, बाबिल तेज, चल 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 चल, ओए ओ भाई, गाड़ी की जो बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है और जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी भी धक्का मार के स्टार्ट किया है। खैर, जो भी आज सुबह सुबह उठ गए जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि आज हम लोगों का मरी जाने का प्लान है। सांस फूल गया, सलाम, सांस फूल गया यार बिल्कुल ही। खैर, आज आप लोग को मेरी वही कल वाली शर्ट दिख रही है, तो अभी जो है गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास ये बिल्कुल पतली सी बारीक सी शर्ट है, गर्मी की वजह से मैंने ये पहन ली है। और आगे अगर मरी में ठंडा मौसम हुआ तो उसके लिए भी मैंने एक अपर रख लिया है। तो अभी बस मरी जाने का प्लान है, जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था। अभी हम लोग बिल्कुल अभी रेडी शेडी हुए, नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया, तो अभी जाते हैं और नाश्ता वाश्ता भी करते हैं और निकलते हैं सीधा मरी और फिर वहीं पे मिलते हैं। सफर में रहे खबर ना रही, मैं मुखलिस तेरा, तू डरना मत, दुनिया जब पूछे मुकरना मत, कर सबसे जुदा। फाइनली 2 घंटे ड्राइव करने के बाद जो है एक जगह पर हम लोग पेट्रोल के लिए रुके थे और हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, तो नाश्ता भी यहाँ से कर लेते हैं, पेट्रोल शेट्रोल भी भरवाते हैं। यहाँ पर हमें डंकिन डोनट, सब्वे और KFC वगैरह मिला है, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या खा रहे हैं क्या नहीं, पेट्रोल शेट्रोल डलवा के खाना वाना खाते हैं। यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी वैसे 1:30 बज रहा है और नाश्ता भी नहीं करके निकले हैं घर से। भाई ये आप जो है ट्रिपल चॉकलेट कर दें, 2 चॉकलेट स्प्रिंकल्स, 1 स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल और ये क्या है मंचकिंस, ये भी एक कर दीजिएगा भाई। ये टोटल 5-6 जो ये कर दें और एक ये ब्राउनी भी है, सॉरी ये ब्राउनी भी एक कर दीजिएगा, एक साथ कर दो भाई। खाना वाना हमने पकड़ लिया था, डोनट्स और बर्गर वगैरह, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ना नाश्ता किया था ना कुछ खाया था, बहुत भूख लग रही थी, तो ब्लॉग छोड़ के डायरेक्ट खाने पर लग गए और कसम से सुकून मिल गया पेट में, कुछ गया। बाकी बर्गर KFC का पता नहीं भूख में अच्छा लग रहा है या वाकई अच्छा है, यहाँ का हमने ट्राई नहीं किया, इससे पहले ट्राई किया वहाँ के तो अच्छे होते हैं। भाई खाना वाना खा के हम लोग फारिग हो गए हैं, हमने ये डोनट्स वगैरह कुछ पकड़े थे, तो इन लोगों ने तो अपने अपने डोनट्स खा लिए हैं और अभी मेरे पकाए हैं, क्योंकि मैं बर्गर खा रहा था तो मैंने सोचा ये मैं बाद में खा लूँ, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो अभी ये मैंने पकड़ा था 1 ट्रिपल चॉकलेट और 1 ब्राउनी, तो अभी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं क्या टेस्ट है। वैसे मैंने इसका थोड़ा सा खाया तो था, थोड़ा सा बासी बासी लगा था, मतलब जैसे पुराना बना हुआ, अभी अपना चेक करते हैं। वैसा ही है उसी की तरह, मतलब ऐसा लग रहा है बासी बासी। डोनट तो ट्राई कर लिया, अभी ये पेस्ट्री को देख लेते हैं थोड़ा सा, पेस्ट्री में क्या है, सॉरी ब्राउनी, पेस्ट्री पेस्ट्री करे जा रहा हूँ मैं। यार ये तो उससे भी ज्यादा वो है, बासी पुरानी एकदम सख्त हुई हुई है, बिल्कुल भी कोई नरम नहीं है और इतनी चॉकलेटी है। खैर अब जो भी है खरीद लिया, अब तो खाना तो पड़ेगा, बाकी खाना वाना खा लिया वापस निकल गए, अभी भी 2 घंटे हमें ड्राइव करके जाना है, तो बस पूछते हैं वहीं पर डायरेक्ट, अब मरी में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। ओ भाई लो जी, अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं थे मरी, अभी भी 30 किलोमीटर पकाया था और ये देखें जी रास्ते में हो गई है बारिश शुरू, अभी तो हल्के हल्के है, आगे का पता नहीं आगे कैसी बारिश हमें मिलती है, और हम लोग कोई कपड़े वगैरह भी नहीं लेके आए हैं। ओहो भाई तेज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है यार, बस जो भी है अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये देखते क्या मिलता है, बारिश या फिर सही मौसम, जो भी मिलेगा, बारिश मिले या साफ मिले, इंजॉय हम लोग फुल करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोग साथ बने रहें, पूरा व्लॉग शुरू से एंड तक आपने देखना है और प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिएगा। ये देखे जी आहिस्ता आहिस्ता बारिश बस तेज होते ही जा रही है, होते ही जा रही है, जो भी होगा बारिश हो ना हो, एंजॉय हमने खुल के करना है और आपको साथ रखना है और आप साथ जुड़े रहिएगा।
भाई साहब अचानक से इतनी तेज बारिश और शीशा भी बिल्कुल ब्लर हो गया, सामने कुछ दिख नहीं रहा, वाइपर कोई काम नहीं कर रहे, हम लोगों ने हीटर भी कंप्लीट फुल खोल दिया। अभी भी बारिश हो रही है लेकिन अब थोड़ा सा सुकून हो गया। ये देखें फिर से जो है ना शीशे हमारे ब्लर होने स्टार्ट हो गए। इतनी मुश्किल हो गई थी भाई, मैं तो घबरा गया था। हम क्या तीनों ही घबरा गए थे, मैं अकेला नहीं, तीनों ही घबरा गए थे। कैमरा मैंने साइड में रखा, ब्लॉग को साइड में रखकर बस शीशा साफ करने पे लग गए थे। और ये देखो फिर से दोबारा से जो है ना बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश हो रही लगातार है लेकिन कहीं 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 पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही, कहीं पे स्लो हो रही है, तो ऐसा सीन चल रहा है। ये भी एक कुदरत है माशाल्लाह, ये भी एक अल्लाह की तरफ से निज़ाम ही अल्लाह ताला का। और ये देखें ये फिर से उसी तरह पहले की तरह हो गई, लेकिन अभी शीशा अभी तक तो सेट ही दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत ब्लर हो गया था भाई। हम लोग तो घबरा गए और हमने सिर्फ कैमरा साइड में रख के शीशा साफ करने पे लगे हुए थे, क्योंकि एक कुछ भी नहीं दिख रहा था आगे, कुछ भी नहीं। अभी देखो ये हमारे आगे एक गाड़ी है, ये भी जो अपना हेजर जोन करके जा रहे हैं कि भाई कोई आए पीछे से तो उसको दिखे कि आगे कोई गाड़ी चल रही है। लेकिन ये जो भी है इंजॉय भी था, और इसके अलावा जो है ना डरने वाला भी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोमेंट था, बहुत ज़्यादा डरने वाला। खैर जो भी था इंजॉय करना है और इंशाल्लाह इंजॉय करके जाएंगे और आप लोग को भी साथ रखेंगे। मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, और इसके अलावा लाइक करके लाजमी जाना है। अभी चलते हैं, अभी भी काफ़ी ऊपर हमें जाना है। तो वापस से हमारे हीटर्स जो हैं ऑन हो चुके हैं, फिर से वही सिचुएशन है। खैर अल्लाह मालिक है, फिर से शीशे साफ करने के काम पर लग जाते हैं हम। भाई ये देखो ये फाइनली अभी हम लोग पहुँचते हैं माल रोड में। अभी भी 7 किलोमीटर है मरी माल रोड को, और यहाँ पर देखो इतनी धुने हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यार हमारे जो है ना गाड़ी में पेट्रोल भी बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ पर हमें कोई रेस्क्यू सेंटर मिला, यहाँ से जो है ना हम लोगों ने इनसे मालूम लिए, इन्होंने बताया सामने कहीं पर जो है पेट्रोल मिलता है लेकिन वो 20 रुपये लीटर महंगा दे रहे हैं। लेकिन हम फार होने से बेहतर है, परेशानी से बेहतर हम लोग 5-6 लीटर ले लेते हैं। बोला आगे 7 किलोमीटर आगे पेट्रोल पम्प है, तो 5-6 किलोमीटर ले 5-6 लीटर लेके गाड़ी आगे लेकर जाते हैं। 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे तकरीबन, लेकिन जो है हमें ख्वारी से बचना है, तो अभी फ़िलहाल पेट्रोल पकड़ते हैं और आगे निकलते हैं। यहाँ पर धुंध, लेकिन आप देखो यार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बारिश धुंध और मौसम जैसा सुना था वैसा ही बिल्कुल ठंडा। ये देखो भाइयों ने तो अपर पहन लिए दोनों ने, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, पहले मैं पेट्रोल पकड़ लूँ उसके बाद मैं भी अपर अपना पहनता हूँ। भाई साहब पेट्रोल वेट्रोल भी डलवा लिया, शुक्र है मिल गया। और इसके अलावा शर्ट भी आप देख लो चेंज कर लिया, अभी मेरे पास एक यही शर्ट थी, मैं कोई अपर वगैरह साथ लेके नहीं आया था, तो अभी बस सीधा मरी है, फिर वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे। 1 hour later मरी माल रोड पहुँच गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं चेयरलिफ्ट के लिए, वो इसलिए अभी मौसम जो है आपको पता है यहाँ का ऐसे ही रहता है, अभी 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। यहाँ से आधा घंटा पैदल हमें जाना पड़ेगा चेयरलिफ्ट के लिए, तो अभी पहले सबसे पहले चेयरलिफ्ट निकलते हैं, चेयरलिफ्ट के बाद जो है चेयरलिफ्ट करके फिर अंधेरा हो जाएगा, तब तक तो व्यू नहीं मिल पाएगा, पहले चेयरलिफ्ट को एंजॉय करके फिर आएंगे यहाँ पर वापसी, उसके बाद देखते हैं क्या शुगल है यहाँ का। ये सारी जो है मरी हिल्स की जो है सारी हिस्ट्री है 1853 से 1947 तक, मतलब 1853 से लेकर 1947 तक इस तरह का था ये टोटल मरी। ये अलग अलग जगहों के नाम भी लिखे हुए हैं, मेरे को तो कुछ काफ़ी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, जी का गली चौक और पता नहीं क्या क्या है। ये 1853 से 1947 तक ऐसा था, फिर 1947 से 2000 तक ये हिस्ट्री है इसकी, 1947 से 2000, फिर उसके बाद 2000 से 2021 तक ये इस तरह का था। अब आगे जो है वो चल रहा है, अभी 2021 में ही ये मतलब लगी होंगी ये सारी पिक्चर्स वगैरह, तो इसलिए 2021 तक का ही लगा हुआ है। अब 2021 से लेके आगे मेरे ख्याल से 10-20 साल का इनका जो भी प्रोसेस है वो एक साथ लगाएंगे शायद, ये ऐसा होगा। बाकी आगे आगे चलते रहते हैं, अभी चेयरलिफ्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर जाके दिखाते हैं क्या है। भाई आधे घंटे चलना है, 15 मिनट तो ऑलरेडी चल चुके हम। A few moments later, फाइनली पहुँच गए यहाँ पर, अब टिकट विकट पकड़ते हैं। जी 2 टिकट दे दीजिएगा, 1600 रुपये टिकट विकेट जो है पकड़ लिए, अब जाते हैं। आ जाओ भाई इस तरफ आ जाओ, यहाँ से जाना है, टिकट भी पकड़ ली और अब निकलते हैं सीधा लिफ्ट। भाई सब फाइनली बैठ गए चेयर लिफ्ट पे और कुछ भी नहीं दिख रहा यार, बिल्कुल धुंध, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल मतलब अंधेरा तो नहीं, धुंध ही धुंध है, धुंध ही धुंध, मतलब नीचे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बस थोड़ी थोड़ी ग्रास बिल्कुल नज़र आ रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी नीचे जो है ना, मतलब करीब करीब में। अभी तो आगे जाएंगे और दूर, तो और दूर जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पीछे भी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, जहाँ से हम बैठे हैं वो भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो है ना धुन है।
खैर इतनी इतनी दूर उसके लिए चल के आए हैं तो अब इंजॉय तो करके जाएंगे भाई, ऐसे तो जाने से रहे। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, डर तो नहीं लग रहा? चल रहे भाई, जैसी बैठे थे थोड़ा सा नीचे आए ना, खाई देखी और भाई अचानक से इतना डर लगा, मैं लिटरली सच बताऊं डर लगा था आपको जैसी स्टार्ट हुई थी। ओ भाई झटके लग रहे भाई, ओ भाई अभी नहीं मरना हमने, अभी तो हमने अपनी ऑडियंस को और आगे और ट्रिप कराने और घुमाना है भाई। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करो और घर बैठ के पाकिस्तान घूमो, इंशाल्लाह हम घुमाएंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने साथ दिया तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान या पूरी दुनिया दिखाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब यार कसम से बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड मुँह पर लग रही है, टांगों पर। ये तो मैंने तो ये थोड़ी जर्सी टाइप की थी, ये मैंने पहन ली, ये इस ऊपर मुझे इतना नहीं महसूस हो रहा, लेकिन पाँव पर मैंने बिल्कुल जो है ना बारीक सा ट्राउज़र पहना है तो जो है ना पाँव पर मेरे को थोड़ी ठंड ठंड महसूस हो रही है। लेकिन अब जो भी एंजॉय करना है और एंजॉय करके ही जाएंगे। बस आप लोगों ने एक ही काम में जो मैं आपसे दोहरा रहा हूँ बार बार, आप लोग खुद समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं कहना चाह रहा, आप लोग जाओ और वो करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कर दिया भाई, मुझे पता है अभी भी कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है करके आओ, सब्सक्राइब करके आओ और जो है ना बस भाई को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह व्लॉग जो है आते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा मैं डेली व्लॉगिंग पे भी आऊँ, मुझे पता है एक एक दो दो महीने बाद मेरे दूसरे व्लॉग्स आ रहे होते हैं, तो अभी तो 10-15 दिन तो लगातार है, 10 दिन तो मस्ट है लगातार व्लॉग्स। और इसके बाद जो है ना अभी क्या कहते हैं, आप लोग जो है सीरीज से देखिएगा, मतलब लाइन से देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है नादान परिंदे, तो जो है आप जाएँ अभी, जो नए हैं वो लोग जो है इस व्लॉग को छोड़ के मैं कहूँगा पहले पिछला व्लॉग देखें, उस पर पैरासेलिंग वगैरह मैंने की थी, बोटिंग वगैरह, तो वो देख के आए, उसके बाद इस व्लॉग पे आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करिएगा हमारे साथ। अभी जो है ये तकरीबन आधे घंटे की है चेयरलिफ्ट हमारी और बहुत स्लो चल रही है यार, अब मज़ा नहीं आ रहा, बहुत स्लो चल रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार। ओए चाचे स्पीड बढ़ा, ओ चाचे स्पीड बढ़ा भाई, अरे बहुत स्लो चल रही है यार। आइए नीचे मेन रोड, मेन रोड नहीं है, चुप 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 गाइस, परिंदों की आवाज़ सुनो, जानवरों की आवाज़ सुनो, पेड़ों के अंदर से आ रही है। हाय 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 कितनी खामोशी है यार यहाँ पे। और नीचे ये आ गया मेन रोड, मेन रोड पे से लोग गुजर रहे हैं और धुंध देखो यार। मैं हमारा कल जो है हम एजेंसी के साथ ट्रिप पे जा रहे थे, हमसे स्कर्दू का ट्रिप है हमारा, कल स्टार्ट हो जाएगा और जो है इतनी धुंध है और इतना मौसम ख़राब लग रहा है, हमें नहीं लगता कि कल हम जा पाएंगे, हो सकता है हमारे पैसे ज़ाय हो जाएँ, नाइट स्टे करना पड़ जाएगा क्योंकि धुंध बहुत है। अभी भी बारिश आपने पीछे देखी होगी कितनी तेज़ थी, तो दुआ करो। और यार कान ऐसा लग रहा है बंद हो गए, ऐसा लग रहा है कान बिल्कुल बंद हो गए यार। खैर अभी आधे घंटे की राइड है, थोड़ा सा हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी देखते रहिए, जुड़े रहिए और व्लॉग शुरू से एंड तक देखिया करें इसको प्लीज़। यहाँ पर थोड़ा सा मौसम सही हुआ है यार, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। ओए 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 झटके लग रहे भाई साहब, वो देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है, सूरज है चांद है आई डोंट नो, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा लग रहा है। और आगे हमें एक पहाड़ी भी नज़र आ रही है, कैमरे में आपको पता नहीं नज़र आ रही है नहीं, अब पता नहीं हम उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे, उस पहाड़ी पे जाते हैं या नहीं, मेरे को पोल तो यहाँ से नज़र आ रहे हैं, मे बी कि हम लोग वहाँ पर जाएँ। आप देख सकते हो शायद आपको सामने वो मेरी उंगली की सीध में शायद आपको पोल दिख रहे हो, वहाँ पोल दिख रहे हैं, शायद वहाँ तक जाएगी ना, शायद वहाँ तक जाए। तो भाई सही फुद्दू लगा दिया हमारे साथ, हमें लूट लिया, 800 रुपये पर हेड लिया इन्होंने और बोलते आधे घंटे की राइड है। अबे भाई आधे घंटे की राइड, 15 मिनट की मुश्किल से राइड, और इन लोगों ने सही पागल बना दिया हमें। और जो है ना बस वो नीचे से जो है ना ये वापस राउंड हो रही है, घूम रही है, सही फुद्दू लगा दिया। और चाचा जी हमें तो बोला कि जो है आधे घंटे की राइड है, आगे से घूम रहे, ये क्या बात है, तो 10 मिनट भी नहीं हुआ, सही फुद्दू खाता लगाया हुआ है, सही फुद्दू खाता लगाया हुआ है। हाँ चाचा हंस रहे, चाचा देखो भाई, हाँ हाँ मेरे को कुछ भी नहीं समझ आई, फुद्दू खाता लगाया हुआ आधे घंटे का बोल के 10 मिनट में खत्म। भाई साहब फुल हम लोगों को बेवकूफ बना दिया, कुछ भी नहीं दिख रहा। और यह देखो यहाँ पे उतरना लाजमी है, अबे भाई जाहिर सी बात है, कैन यू हियर मी, आगे खत्म हो गया तो फिर उतरेंगे ही ना मंडप। भाई साहब फुल ठंड लग रही है, टन 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 मंडप। ओ भाई चलो 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 ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, चलो भाई खत्म हो गया, पूछ गए, चलो भाई
800 रुपए बचाओ तो कोई भी नहीं जाओ, 800 रुपए बचाओ बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। वादियों और खुले आसमान में थे भाई वाविल, हम कहाँ थे? ये हसी वादियाँ, ये खुला ये शर्मा गए भाई, भाई हंसी वादी और खुले आसमान के अंदर थे हम लोग भाईजान। आधे घंटे का बोल के 15 मिनट के अंदर हमारी जो राइड खत्म हो गई, कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, कुछ भी नहीं, फुल फुद्दू खाता, ना कोई हाइट लिख के लगाए हुए कि 6000 फीट की हाइट। अब भाई 6000 फीट नीचे लेकर गए थे, लेकिन जहाँ नीचे लेकर गए वहां पर सारे पेड़ पौधे पहाड़, मतलब हम लोग पहाड़ से ना कोई 15 फीट भी, मैं ज्यादा बता रहा हूँ 15 फीट ऊपर होंगे बस ज्यादा से ज्यादा, और लिखा हुआ 6000 फीट। मैं तो समझा था नीचे 6000 फीट तक कुछ होगा ही नहीं, लेकिन भाई पागल बना दिया, फुल फुद्दू खाता मारा है, 800 रुपए बर्बाद। ओ फजूल गए, मजे के नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहाड़ है, मतलब लिखा हुआ है 6000 फीट और 10 फीट नीचे पहाड़ है हमसे, बिल्कुल बेकार है, जाने का फायदा नहीं है, 800 रुपए बर्बाद है नीचे जी। एहतिशाम मतीन जी, मेरी पिक्चर लगी होगी। चलो भाई एक भाई को हमने और पकड़ लिया सब्सक्राइब कराने के लिए, भाई से लिखे हैं एहतिशाम मतीन। लिफ्ट चेयर से फारिग हो गए थे और यार ठंड बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें, कॉफ़ी पकड़ ली हमने यहाँ से, ठंड का जो है क्या कहते हैं इसको तोड़, सुना ही सुना है भाई, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अभी जो है हमने कुछ खाया हुआ पिया भी नहीं है, जो सुबह खाया था वही खाया था, 5-7 घंटे हो गए, तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और फिर चलते हैं, चेक तो करें क्या है कॉफ़ी में। ऐ बिल्कुल फीकी है, फीकी है यार, चीनी दो उस्ताद, चीनी नहीं है, अबे यार बिल्कुल फीकी है, हाँ चीनी भी नहीं पाओ इसके अंदर, बिल्कुल फीकी लग रही है। 2000 years later. भाई फाइनली 1 बज रहा रात को और अभी हम लोग घर पहुंच गए और हालत बिल्कुल जो है खराब हो गई, बिल्कुल हालत डेड हो गई है, और यार बहुत बुरा जो है ना हम लोग फंस गए थे वहां पर यार मरियम में, बहुत बुरा फंस गए थे। अभी जो है हमारे पास पेट्रोल वेट्रोल भी खत्म हो गया था रास्ते में, बस अल्लाह अल्लाह करके हम लोग कहीं पेट्रोल पंप पे पहुंचे, पता नहीं कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं, बस शुक्र है लगा हम लोग घर पहुंच गए, रात का 1 बज रहा है अभी, और कल का क्या सीन है वो आपको कल ही बताएंगे। कल हमें निकलना है आगे इस्कर्दू हुंजा वगैरह के लिए, लेकिन अभी हमारा ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम लोग खुद जा रहे हैं या फिर वो जो एजेंसी है उसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, हमारे पास अपनी गाड़ी भी है गई और एजेंसी भी है गई, तो जो है वो कल ही डिसाइड, वो भी डिसाइड होगा और कल ही आपको पता लग जाएगा। तो भाई इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पर एंड, और आप सबसे आखिर में दोबारा से फिर वही रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।